Hello everyone, so today we are going to start another new chapter, transfer of heat. So सबसे पहले देखेंगे what is heat. तो heat क्या है? It's a form of energy. Heat क्या होता है? एक form of energy होता है जो higher temperature से lower temperature की तरफ flow होता है. For example देखिएगा, suppose कर लीजिए, suppose एक body है जिसका temperature अगर 15 degree centigrade है and another body है जिसका temperature suppose कर लेते हैं 25 degree centigrade है, तो अब जब दोनों को एक साथ merge करके रखिएगा तो दोनों body का temperature क्या होगा? Heat है जो हीट जो है आपका हायर टेम्परेचर से, दैट मीन्स जिसके पास ज़्यादा हीट है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ से लोअर के तरफ ट्रांसफ़र होगा अनटिल एंड अनलेस दे अचीव सेम टेम्परेचर. तो हीट क्या हुआ, डेफिनेशन समझ में आ गया. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. अब इस चैप्टर में दो तीन पॉइंट्स जो है उसको अच्छे से समझना है, जिसका डेफिनेशन सबको समझना है आपको. सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन या बॉइलिंग. बॉइलिंग और उसके बाद जो आता है एवेपोरेशन. तो बॉइलिंग का मतलब एक्चुअली क्या होता है? तो बॉइलिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कोई लिक्विड का किसमें, गैस में कन्वर्ट होना एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग. द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर इस कॉल बॉइलिंग या वेपराइजेशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं. देखिए ये तो डेफिनेशन हो गया, इसको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे समझेंगे कि बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? तो इसके लिए जब तक एक डायग्राम से हम देखेंगे. सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग वाटर लिया है, वाटर ले लिया, ठीक है. वाटर लिए तो वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या है, इसके अंदर वाटर है जब, तो वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, रैंडमली मोशन में है ना. तो वाटर का मॉलिक्यूल्स जिग जैग मोशन में, हम पढ़े हुए काइनेटिक थ्योरी फर्स्ट चैप्टर जिसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स आर इन ऑलवेज रैंडम मोशन, जिसको ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं. तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे से स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पे भी स्ट्राइक कर रहा है, इस वॉल में भी स्ट्राइक कर रहा है. तो कुछ मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पे भी जाके स्ट्राइक करता होगा अपर पोर्शन. तो क्यों स्ट्राइक करता है, तो क्यों वो ऊपर क्यों नहीं चल जा रहा है, वो कौन सा फोर्स है जो उसको सरफेस से अबव जाने नहीं दे रहा है, ठीक है. तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला एक फोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है जो उसको होल्ड करके रखा है, इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स आपका ऊपर एस्केप नहीं कर जाता है, पहला. और दूसरा एक और फोर्स है जो उसको होल्ड करके रखा है, उसको हम लोग एटमोस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो उसको होल्ड के रखा है, ठीक है. अब जैसे ही हम लोग इसका टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, इसका हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है. मॉलिक्यूल्स क्या, हीट लेके इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तेज हो रहा है, इसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है. तो अब क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं एट अ फिक्स टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसके काइनेटिक ये जो मॉलिक्यूल्स से ना पार्टिकल्स है उसके अंदर इतना एनर्जी आ जाता है कि वो ये जो इंटीरियर बैरियर था, क्या क्या बैरियर है इसके पास, आप देख रहे हैं, बैरियर पहला आपका था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा बैरियर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों को काउंटर कर लेता है और अब मॉलिक्यूल्स क्या है, इससे एस्केप करके बाहर निकलने लगता है. इसी प्रोसेस को बॉइलिंग बोलते हैं. तो क्यों, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल्स फास्ट मोशन करेगा, जितना फास्ट मोशन करेगा उतना स्पीड में ऊपर आएगा. लेकिन ऊपर से पहले क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और नीचे से उसको होल्ड करके कौन रखा था, आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. लेकिन जब इतना फास्ट मोशन आ जाता है तो वो दोनों फोर्स को काउंटर कर लेता है और उससे अब अबव निकल जाता है और वो ऊपर एस्केप करने लगता है. इस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं और ये पूरे प्रोसेस को, कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं. चलिए बॉइलिंग या वेपराइजेशन भी आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कन्वर्ट होना वेपर में उसको वेपराइजेशन बोलते हैं. उसके बाद एक आता है जो फिक्स टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे होता है उसको हम लोग बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं. क्लियर. फॉर वाटर, वाटर के लिए फिक्स टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री. मतलब क्या होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल्स 100 डिग्री आने के बाद, 100 डिग्री टेम्परेचर अचीव करने के बाद उसके पार्टिकल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होता है इतना अचीव हो जाता है कि वो जो दो फोर्स को था उसको काउंटर करके ऊपर जा सके. कौन कौन सा फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उसको नीचे रख रहा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उसको ऊपर जाने नहीं दे रहा, दोनों को काउंटर करके अब मॉलिक्यूल्स के पास इतना एनर्जी आता है, आ जाता है कि वो ऊपर एस्केप करने लगता है.
तो ये आपका था पूरा बॉइलिंग। अब देखते हैं एवापोरेशन किसको बोलते हैं। एवापोरेशन का मतलब होता है चेंज ऑफ ए लिक्विड, चेंज ऑफ एनी सब्सटेंस, दैट मीन्स लिक्विड का किस में कन्वर्ट होना, वेपर में कन्वर्ट होना, एट एनी टेम्परेचर फ्रॉम द सरफेस ऑफ इट्स, इसके सरफेस से उसका चेंज होना, कहाँ से, लिक्विड से वेपर स्टेट में, कोई भी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर। देखिए बहुत सारा जिसकेप में पूरा हमारे ये जो वाटर साइकिल है इसी की कंसेप्ट है। देखिएगा सी और रिवर के ऊपर से क्या होता है, कोई भी टेम्परेचर में वो क्या होता है आपका वेपर, वाटर वेपर, वाटर क्या होता है वेपर के फॉर्म में क्या कन्वर्ट हो जाता है ना, लिक्विड के से किस में, गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके लिए उसको कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं जाना। देखिए क्या होता है ऐसा कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो सरफेस होता है ना, सरफेस वाला पार्टिकल्स की तरफ, यहाँ पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं होगा तो ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उसको काउंटर करके रख रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं होगा तो जो पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहा था ना, वो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, ये एवोपरेशन बोलते हैं। तो एवोपरेशन क्या होता है आपको क्लियर हो गया, एवोपरेशन एंड बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है एकदम अच्छे से समझ लीजिए। कन्वर्शन ऑफ अ लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट एट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवोपरेशन। एवोपरेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होता है, और बॉइलिंग जो होता है पूरे मॉलिक्यूल्स के अंदर, पूरा इनसाइड जितना मॉलिक्यूल्स उसके अंदर होता है। इफेक्ट ऑफ एवोपोरेशन देखेंगे, इफेक्ट ऑफ एवोपोरेशन में देखिए, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स ऑकर बिकॉज ऑफ एवोपोरेशन, एवोपोरेशन की वजह से जो हमारा भीगा कपड़ा रहता है वो क्या करता है, ड्राई होता है। देखिए भीगा कपड़ा को आपको उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमको तो उसको बॉयल नहीं कराना पड़ता है, ना ही 100 डिग्री टेम्परेचर ले जाना पड़ता है। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट उसका वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर में कन्वर्ट हो जाता है गैसेस स्टेट में, मतलब वाटर वेपर में, और आपको वो जो कपड़ा है या वो जो क्लोथ है वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो पहला ये ड्यू टू एवेपोरेशन होता है। दूसरा जो है गर्मियों के मौसम में देखिएगा, ड्यूरिंग समर टाइम जो है आपका, कि आपको जब बहुत ज़्यादा पसीना होता है, जब बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है तो हमारा जो वेट एरिया होता है उस वेट एरिया में आपकी बॉडी से ही हीट लेके वो जो आपका पसीना होता है वो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर हिस्से में, और वो हिस्सा हमारा क्या होता है, पूरा सूख जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी जो है ड्यूरिंग समर टाइम में आपको कूल रखता है, वो एरिया को भी आपको कूल कर देता है। चलिए थर्ड पॉइंट ऐसा है आपको, थर्ड पॉइंट देखिएगा कि वाटर जो है आपको जब एक गढ़ा वगैरह में देखिएगा, गांव वगैरह में हम लोग रखते हैं या अभी भी बहुत सारे जगह में वो मिट्टी का गढ़ा जो होता है ना, उसके अंदर जो पानी होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू हम नॉर्मल यूटेंसाइल जो भी हमारे घर में आपका जो पॉट वगैरह होता है उस पर रखेगा। उसका रीज़न क्या है, वो जो मिट्टी का गढ़ा होता है ना उसका फाइन पोर से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है बाहर आता है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ गया, अब क्या है कि मिट्टी का गढ़ा से जब पानी बाहर उसके चारों तरफ इसको वेटेड कर दिया, जैसे अगर सपोज कर लीजिए ये अगर गढ़ा है तो ये इससे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आके यहाँ 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 है, तो वो क्या करता है आपको एटमॉस्फेयर से हीट को ले लेता है और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इसके अंदर उससे हीट को लेके ये क्या कर कन्वर्ट होने लगता है। देखिए कन्वर्ट होने के लिए हीट तो चाहिए, फर्स्ट केस में भी देखिए हीट मिल रहा था सूरज का, तभी आपको वो वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहा था बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट है। सेकेंड केस में भी हमारे बॉडी से हीट लिया जा रहा है, इस केस में भी एटमॉस्फेयर से हीट लेता है और वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर कुछ हीट है तो उसको लेके, या मॉलिक्यूल्स क्या होता है जो फाइन पोर से बाहर निकल चुका है उस पोर्ट का, वो क्या होता है एवोपोरेट होने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये अगर यहाँ से हीट एनर्जी इसमें लग गया तो वो एरिया कूल हो जाएगा, तो इसी वजह से ये जो वाटर अंदर होता है वो कूल होता है। ये तो इफेक्ट ऑफ एवोपोरेशन था। अब हम लोग देखेंगे दो, ये जो डिफरेंस आता है एग्जाम में ये कंपलसरी मैक्सिमम चांसेस रहता है इसका आने का, के डिफरेंस बिटवीन एवोपोरेशन एंड बॉइलिंग लिखो। तो हम पहले ही बोल चुके हैं एवोपोरेशन का मतलब है कोई भी एनी टेम्परेचर में ऑकर होता है, और बॉइलिंग क्या होता है एट फिक्स टेम्परेचर पे होता है। तो देखते हैं ऑकर एट अ
ऑल टेम्परेचर। एवोपोरेशन क्या होता है? ऑल टेम्परेचर पे होता है, इसके लिए कोई टेम्परेचर का क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन बॉइलिंग के लिए एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए, फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वाटर के लिए 100 डिग्री आएगा तभी बॉइलिंग स्टार्ट होगा, उससे पहले 90 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री में बॉइलिंग नहीं होगा। लेकिन एवोपोरेशन के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, 50 डिग्री में भी हो सकता है, 60 डिग्री में भी हो सकता है, 40 डिग्री में भी हो सकता है। चलिए दूसरा, ऑकर ओनली एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड। मतलब आपका बता चुके हैं कि एवोपोरेशन क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सर्फेस पे होता है, सर्फेस से वाटर मॉलिक्यूल्स का निकलना, ठीक है। लेकिन बॉइलिंग क्या होता है, ड्यू टू इंटायर, बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, इंटायर मॉलिक्यूल्स को हीट दे रहे हैं ना, तो सारा मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में होता है। तो ऑकर्स ओवर द इंटायर मास ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का पूरा मास में आपको एनर्जी गेन कर रहा है और वो जिगजैग मोशन में आ रहा है और वेपर में कन्वर्ट होना, मतलब पूरा इंटायर मास में होता है। और एवोपोरेशन सिर्फ और सिर्फ उसकी सरफेस से होता है, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को खबर भी नहीं रहता। चलिए ठीक है, नाउ एवोपोरेशन ऑब्वियसली स्लो प्रोसेस है, बट बॉइलिंग जो है फास्ट प्रोसेस है। देखिएगा आपको ड्राई क्लोथ को जब हम रखते हैं तो कुछ समय लगता है, तब उसके बाद वो आपका ड्राई होता है। वेट क्लोथ को जब रखते हैं तो कुछ समय के बाद ही वो ड्राई होता है, ठीक है। चलिए, लेकिन बॉइलिंग क्या होता है, आपको दिखता है, इतना फास्ट होता है कि वो वेपर जो बन रहा है वो आपको दिखता है एवोपोरेट होते हुए मॉलिक्यूल्स। आप देखिए बॉइल जब वाटर हो रहा है तो दिखेगा वाटर मॉलिक्यूल्स, आपको दिखेगा कि वो कन्वर्ट हो रहा है मॉलिक्यूल्स किससे, वाटर लिक्विड से बॉइल मतलब गैसेस स्टेट में। थर्ड वन, काउज कूलिंग। देखिएगा यहाँ पे एटमोसफेयर का हीट को ले लेता है ना, हीट को ले लेता है तो वो एक कूल क्रिएट करता है, उस एरिया में कूलिंग क्रिएट करता है। जैसे आपको बताया हमारे सरफेस से अगर जा रहा है तो यहाँ पे हमको कूलिंग फील होता है, अगर पोर्ट से निकल रहा है तो वो देखिएगा आपको पोर्ट का वाटर को कूल कर देता है, और अगर ड्राई क्लोथ वेट क्लोथ था तो उसको सुखा दे रहा है, वो कूल हो जा रहा है। लेकिन बॉइलिंग डजेंट काउज कूलिंग, क्योंकि यहाँ पे तो हम एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा और इसमें कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं होता है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन एवोपोरेशन एंड बॉइलिंग। व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन, तो नाम से स्टार्ट करते हैं, थर्म मीन्स होता है हीट एंड एक्सपेंशन विद फैलना, तो विद द हेल्प ऑफ हीट कोई भी चीज़ का एक्सपैंड होना उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। डेफिनेशन देखेंगे अगर तो इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ ए सब्सटेंस ड्यूरिंग हीटिंग इज कॉल थर्मल एक्सपेंशन। तो ड्यूरिंग हीटिंग कोई भी चीज़ का साइज में बढ़ना उसको क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। ये होता क्यों है, कैसे होता है, अगर इसको देखें तो काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से समझेंगे तो व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, जब कभी भी कोई सब्सटेंस को हीट करता है तो हीट करने से उसके अंदर का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एज वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स के अंदर वेलोसिटी मतलब वो तेज से वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। तो व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट मूविंग विथ मोर विगरसली, मतलब और मॉलिक्यूल्स जो है उसके अंदर बहुत तेज से रैंडमली मोशन करना स्टार्ट करेगा और अपने पास वाले मॉलिक्यूल्स पे स्ट्राइक करेगा। तो होता क्या है, एज अ रिजल्ट द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज एंड द सब्सटेंस एक्सपैंड। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए ये जो कर मान लेते हैं ये सॉलिड का एक मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर दिखा है, तो देखिए जब इसको हीट करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करता है, ये हीट गेन करके स्टार्ट करता है वाइब्रेट करना, ये इसको स्ट्राइक करेगा, इसको स्ट्राइक करेगा, इसी तरह से ये भी इसको स्ट्राइक करेगा, सब एक दूसरे को गेन करके एनर्जी वो स्ट्राइक करने लगते हैं और इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है। क्या होता है, मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वो चीज़ एक्सपैंड कर जाएगा। वही चीज को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं इन सॉलिड, हमको पता है सॉलिड में हम लोग मैटर इन इट्स कंपोजिशन पे पढ़े हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है, ओनली वाइब्रेट करता है, तो सॉलिड में एक्सपेंशन सबसे कम होता है क्योंकि उसके अंदर हाईली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है। तो इन सॉलिड एक्सपैंड ए लिटिल, सॉलिड जो होता है एक्सपैंड ए लिटिल ड्यू टू हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा वाइब्रेट होने नहीं देता, फिर भी एक्सपैंड करता है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। नाउ लिक्विड में क्या होता है, एक्सपैंड मोर देन सॉलिड, एक्सपैंड मोर देन सॉलिड होता है क्योंकि वी नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है IMF से अगर शॉर्ट में लिखे, ये क्या होता है, ग्रेटर देन आपका गैस होता है, बस लेस देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है, सॉलिड होता है।
तो इन बिटवीन होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसमें सॉलिड के कंपेयर में एक्सपेंशन थोड़ा ज़्यादा होता है। इन केस ऑफ गैस क्या होगा, इन केस ऑफ गैस सॉलिड मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है हिट करने से बहुत रैंडमली सबसे ज़्यादा एक्सपैंड द मोस्ट। किस में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, गैस में एक्सपेंशन होगा, क्यों आपको पता ही है लो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की वजह से। सो आई होप सो ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट राइट ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू।